गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स स्टूडेंट। देखिए, हम आपका चैप्टर फाइव रीड कर रहे थे, जिसको हमने आप पार्ट पढ़ लिया था। आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तानसेन वेंट गए टू अकबर अकबर के कोर्ट दरबार में इन 1556, 1556 में। एंड सून, और जल्दी ही बिकम बन गए अ ग्रेट महान फेवरेट पसंदीदा ऑफ द एम्परर सम्राट। सम्राट के क्या बन गए? पसंदीदा बन गए, यानी कि सबसे अच्छे होने लगने लगे। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर वुड कॉल अपॉन, अकबर उन्हें बुला लेते थे तानसेन को टू सिंग गाने के लिए, एट एनी टाइम किसी भी समय, ड्यूरिंग के दौरान, द डे दिन में भी और नाइट रात में भी। क्वाइट ऑफन अक्सर ही वुड जस्ट वॉक, वे चले जाया करते थे इन टू तानसेन हाउस, तानसेन के घर में, टू हियर हिम, उन्हें सुनने के लिए, प्रैक्टिस अभ्यास। जब तानसेन अभ्यास करते थे तो अक्सर तानसेन के घर अकबर चले जाया करते थे उन्हें अभ्यास के दौरान सुनने के लिए। ही ऑल्सो गैव हिम मैनी प्रेजेंट्स, ही उन्होंने ऑल्सो भी गैव दिए हिम उन्हें, किसको? तानसेन को, मैनी प्रेजेंट, बहुत सारे गिफ्ट, प्रेजेंट्स। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकम जेलियस ऑफ तानसेन, सम ऑफ द कोर्टियर, कोर्टियर्स होते हैं दरबारी, उनमें कुछ दरबारी थे, बिकम होने लगे जेलियस, ईर्ष्या फील करने लगे ऑफ तानसेन, कुछ दरबारी तानसेन से जलने लगे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन रुइंड, रुइंड का मतलब होता है बर्बाद करना। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट, हम आराम नहीं करेंगे टिल, जब तक तानसेन बर्बाद नहीं हो जाता। दे डिक्लेयर, डिक्लेयर होता है घोषणा करना, उन्होंने घोषणा की। वन ऑफ द कोर्टियर्स सोकत मैन, उनमें से एक दरबारी था जिसका नाम था सोकत मैन, हैड अ ब्राइट आइडिया, उसको एक विचार आया, एक अच्छा आइडिया आया। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, चलो हम उन्हें राग दीपक गाने के लिए तैयार करते हैं, ही सेड, उसने कहा। हाउ विल दैट हेल्प अस, ये हमारी मदद कैसे करेगा? अनदर आस्क अनदर मैन, दूसरे व्यक्ति ने कहा। इफ़ राग दीपक इज प्रॉपरली संग, दिस मेक द एयर टू होट, दैट इज द सिंगर इज बर्न टू एसेज। इफ यदि राग दीपक जो एक गीत है, संगीत है, इज प्रॉपरली अच्छे तरीके से संग गाया जाए, इट मेक्स, यह बना देता है द एयर, हवा को, सो होट, बहुत गर्म, दैट द सिंगर, जिसके कारण जो गायकार है, गायक है, इज बर्न, जलने लगता है, टू एसेज, और राग में बदल जाता है। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन क्या था, एक बहुत अच्छा गायक है। इफ ही सिंग्स राग दीपक, यदि वह राग दीपक को गाता है, ही विल डाई, वह मर जाएगा, एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और हम अपना बदला पूरा कर सकेंगे। आगे देखिए, और मतलब बदला पूरा कर सकेंगे या उससे क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। सोकत मैन वेंट टू अकबर एंड सैन, सोकत मैन किसके पास गए? अकबर के पास गए एंड सैन, और बोले, वी डोंट थिंक, हम नहीं सोचते, तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर, तानसेन एक महान गायक है। लेट अस टेस्ट हिम, चलो उसका क्या देते हैं, परीक्षा लेकर देखते हैं। टेल हिम, उन्हें कहते हैं टू सिंग गाने के लिए राग दीपक, राग दीपक को, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, एक अकेला वही महान संगीतकार या गायक उसे गा सकता है सही तरीके से, यानी कि एक महान जो संगीतकार है उसे ही अच्छे तरीके से गा सकता है, वरना कोई नहीं गा सकता। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, जरूर वह गाएगा। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर सेड, अकबर ने कहा। तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन डरा हुआ था, अफ्रेड होता है भयभीत, बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, तानसेन क्या था, डरा हुआ था, लेकिन उसने राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, यानी कि बट, लेकिन, कुड नॉट, नहीं किया, डिसओबे अनादर द किंग, राजा का। वेरी वेल, बहुत अच्छा, या फिर अच्छा, माई लॉर्ड, महाराज, मेरे स्वामी, ही सैड, उसने कहा। बट गिव मी टाइम, मुझे लेकिन क्या चाहिए, समय चाहिए, टू प्रिपेयर, तैयार होने के लिए, माई सेल्फ, अपने आप को, यानी कि मुझे अपने आप को तैयार करने के लिए क्या चाहिए, समय चाहिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन चला गया कहाँ, घर पे। तानसेन वेंट, वेंट मिस गया, होम, घर। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, डाउनकास्ट होता है मायूस होना। ही हैड नेवर बीन, मैं कभी भी नहीं हुआ था मोर डाउनकास्ट, इतना मायूस एंड अनहैप्पी, और नाखुश। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ द राग, राग को। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को बताया। बट द हीट इट्स गिव ऑफ, लेकिन जो उसमें से जो गर्म या ताप, जो गर्मी निकलेगी, वो
गिव ऑफ विल नॉट ओनली सेट, ना सिर्फ द लैम्प लाइट लैम्प की लाइट को जलाएगी, इट विल ऑल्सो यह मुझे भी, बर्न मी टू एसेस यह करेगी क्या, जला देगी मुझे भी और क्या कर देगी, राख कर देगी। यानी कि राग दीपक जो एक संगीत है वो एक ऐसा संगीत है, यदि उसे कोई गाता है तो गाने वाले के साथ साथ जो आप आसपास का जो वातावरण है वो बहुत हीट करता है, बहुत गर्मी पैदा करता है, जिसके कारण आसपास का वातावरण क्या करने लगता है, जलने लगता है। उसकी गर्मी के कारण जो गाना उसे गा रहा है, वह उस संगीत को जो गा रहा है वह भी क्या होने लगता है, धीरे धीरे जलने लगता है। तो राजा के सामने जब ये रखा गया कि तानसेन को से राग दीपक गाया जाए, तो उसने हाँ तो की राजा से, क्योंकि राजा की बात का उल्लंघन नहीं कर सकता था, लेकिन उसे डर था कि आसपास के वातावरण के साथ साथ क्या है, मैं भी क्या हो जाऊँगा, आग में जलकर राख हो जाऊँगा। तो उसके माइंड में क्या चल रही थी, मायूसी चल रही थी। तो यहाँ आज इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे तानसेन के माइंड में क्या आइडिया आता है और वो किस तरीके से अकबर के सामने अपनी प्रस्तुति देता है। थैंक यू।